हाय गाइस, अभी बहुत रात है, रात 8:30 बज रही है और इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। ये छोटा सा लाइट है तो यहाँ पर काट के उड़ान से आप देख रहे हैं खिचड़ी बन रहा है और ये बहुत ही बड़ा है जिससे खिचड़ी बना रही है। तो हमारा फैमिली का सदस्य है, हमारा जो फैमिली है उसका सदस्य है 17 लोग हम एक जगह पर रहते हैं, तो आपको वही देखना वाला है। तो खिचड़ी बन रहा है और खिचड़ी के लिए तैयार हुआ है। देखिए चावल, इसको मेरे सासू माँ ने धुलाई करके रखा है, फिर और सब्जी बनता है, गोभी है, पम्पकिन है और कैबेज रखा है। और हमारा जो बहन है, ननद जी है, वो खिचड़ी का घुमा रही है, हाथा घुमा रही है, तो उसको दिखाते हैं हमारा सासू माँ। और ये हमको दी गई है, देखिए इसको फूंक देना पड़ता है तो ज़्यादा तेज जलती है। तो खिचड़ी कैसे बनाते हैं आपको क्या पता है? ये फूल वेजिटेरियन है, सब सब्जी से बनता है और इसमें ऑनियन, गार्लिक ये सब नहीं देती है, क्योंकि हमारा फूल फैमिली जो है वो फूल वेजिटेरियन है दोस्तों। तो आप लोग का रात में खाना क्या है? आज हम रात में खाएंगे चिड़िया बहुत ही मज़े से, और बहुत ठंड भी लग रहे हैं और घर के सारे लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि तेज से गर्म लग रही है यहाँ पर। बाहर में कोई भी नहीं है, हमारा हस्बैंड, ससुर जी, सासू माँ और देवर जी, ननद जी सब है, भासुर जी क्योंकि ये जरा चुपचाप है, कुछ नहीं बोलता, उसका हंसने भी नहीं आता उसका बैकग्राउंड हम आप लोगों को बाद में सुनाएंगे, वो बहुत ही बड़ा उसका बैकग्राउंड है, वो हंसना नहीं जानते हैं। और केवल ही मेरे भासुर जी गुस्से में रहते हैं, तोड़ दूंगा, मार दूंगा, ये सब करता है, तो उसको हम सब लोग ज़्यादा डरते हैं। तो देखिए खिचड़ी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ है, बहुत ही ज़्यादा, ननद की कह रही बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ है, उसको बहुत ही शक्ति लग रही है, वो खुलती घुमाना पर बहुत ही शक्ति वो भी हिंदी, वो सभी तो हम बंगाली हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो कर रही है धीरे धीरे से, हो रहा है। तो खिचड़ी खाने का जो एक पर्व है वो हमको दिखाए, आप लोग को दिखाएंगे, और खिचड़ी कैसे बनता है, वो भी कैसे बना हुआ है वो दिखाएंगे। तो अभी हमारा माँ ने अभी दाल दे रही है, मसूर दाल, इसको मसूर दाल कहते हैं, हम वेजिटेरियन है फिर भी हम मसूर दाल जो है उनान जालो। तो हमें इसको दे गई है, आप लोगों से बातें करते करते ये हमको नजर नहीं आई और ये नहीं दे पा रहा है। मेरे आंखों पर पानी आ रहा है, क्यों इस धुआं पे मेरे आंखों पर धूम लग रहा है आंखों में, इसलिए ये हम हमारा ननद जी को रुला रही है, रुना वो जरा सा रोते नहीं है, इसलिए ये हमारा प्लान है। हम आज एक साथ में खिचड़िया खाएंगे रात में। हम लोग अगले वीडियो में बोला था जे हमारे गांव में हाथी आए थे, हमारे गांव में हाथी आए थे कुछ दिन पहले, अभी भी है आसपास में, कहाँ है तो पता नहीं, लेकिन है। कब तो, कौन आ जाएगा कुछ ही ठीक नहीं है, इसलिए डरा हुआ है, सभी लोग चुपचाप है, हमारे खाना पीना बंद हो गई रात में, घर से 4-5 किलोमीटर दूरी है जंगल, उस जंगल आसपास ही है हाथी।
तो हमारे गांव के सभी लोगों का घर में बाथरूम टॉयलेट नहीं है, इसलिए खाना पीना सभी बंद हो गए। लेकिन हमारा घर पे एक छोटा सा है और इसीलिए हमारा खिचड़ी बन रही है, क्योंकि टॉयलेट है बाथरूम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बाथरूम चला जाएंगे। और पानी भी है, पानी की कल है तो टैप है, उससे पानी हम पंप करते हैं और पानी आता है। लेकिन गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम नहीं है। और टॉयलेट बाथरूम ना होने का क्या समस्या होती है वो तो आपको अच्छे से पता ही है। तो यही है हमारा गांव का समस्या। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जल रही है तेज से। तो हमारे सासू माँ ने बोले है जे क्या ऊन को तेज से जलाइए, पैर लो बहुत ही जल गया। तो हम अभी ससुराल आए हैं। हमारा जो बेटे है यहाँ पर बहुत सी आदर मिलती है, इसलिए उसको उसको क्या होती है वो पढ़ना नहीं चाहती। ससुराल जब आते हैं, हम बाहर रहते हैं, हमारा हस्बैंड नौकरी करता है इसलिए हम बाहर में रहते हैं। तो ससुराल आए, मायके भी आए हैं, आसपास ही है दोनों जगह। तो अभी स्कूल छुट्टी है इसलिए हम ससुराल में हैं, और ससुराल में फैमिली परिवार का सदस्य बहुत ही है। आप सभी सब लोगों को आपको दिखाएंगे। तो खिचड़ी बनने से अभी एक घंटा तो लगेगा ही, कि लेकिन अभी और ज़्यादा लगेगा। अभी शाम से कोई कुछ भी टिफिन नहीं किए है, खिचड़ी खाने के लिए सभी सभा पेट में सब चूहा घुस रही है, आना जाना कर रही है। तो गाइस आप थोड़ा देर वेट कीजिए, खिचड़ी होने के बाद आप फिर मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चावल है, इस पर मिला रहे हैं खिचड़ी पर। ये आतप चल है, ये आतप चल कहते हैं, बहुत ही नरम सा होती है। हम जिस चावल का भात बोलते हैं, राइस खाता है ना, वो राइस नहीं है, ये दरअसल नरम है, बहुत ही नरम, और सेकंड में बन जाते हैं। अगर आप इसके जो पानी है उसको नहीं निकाल कर अगर खाओगे आलू के भरता के साथ, तो आपको सचमुच मजे आ जाएंगे। तो ये सेकंड में हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे चावल है, इसके लिए सब्जी है, इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, तो ये तो बहुत ज़ोर से घुरा रही है घुमा रही है। तो और भी शक्ति चाहिए, क्योंकि ये शाम से कुछ खाया नहीं, टिफिन भी नहीं किया और खिचड़ी बनाने बैठ गई है। तो देखिए खिचड़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है देखकर, और खाने में कैसे है ये हमको पता नहीं, अगर खाए तो भी बोलेंगे ना। तो उस समय तक आप प्लीज़ रुकिए, खिचड़ी बन गई है, माँ अभी इसको नमाएंगे और फिर हम लोग को देंगे। तो मेरे जो दादा है, वो मेरे दादा ने पत्ता लेकर आए हैं खिचड़ी देने के लिए। वो पत्ता कहाँ रखा है, वो पत्ता तो देखो, ये वाले ये इसको हम खोलेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों को तो देखना ही होगा, क्योंकि हमारा खाना दाना अभी तक शुरू नहीं हुई है। ये देखिए, ये साल पत्ता है, ये एक इसको कहला जाते हैं साल पत्ता। एक घंटा लगे, एक घंटा हो गया खिचड़िया। हाँ, पर खिचड़ी हो गया, इसके बाद हम खाएंगे। और खाने के लिए ये जगह बेस्ट जगह है, क्योंकि ठंडी है और ठंडी के मौसम पर इतना तेज उनून है। तो ये हमारा गैस है, गैस घर के अंदर है, तो काट पे हो रहा है। तो यहाँ पर ही हम दो चार लोग खा लेंगे, और उसके साथ जिन लोगों को घर पर खाना है वो घर में खाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम खाएंगे, और आप भी आइए हमारा परिवार में शामिल होकर हमारे साथ खिचड़ी खाने। मन कर रहे क्या, तो आ जाइए। तो यहाँ पर बहुत ही फॉक्स है ना, फॉक्स आपका सियाल होगा, सियाल में क्या कहते हैं सियाल को, फॉक्स समझते हैं ना, फॉक्स
तो दूर पर जंगल है, जब ठंडी बहुत बढ़ जाती है तो फॉक्स के वाह 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 ऐसे आवाज आते हैं। तो हमें सुनाई दे रही है, डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करें। खिचड़ी बन गए और इसको उठा लिया उनान से। देखिए खड़िया कितनी काला पड़ गई है उनके जालों से, बहुत ही सुंदर हमें तो लग रहा है। गनगने आगन है, आगन बहुत है और बहुत ताप भी लग रही है। हमें तो बहुत ही भूख लगा है, इसको देखकर भूख जरा बढ़ गई है। तुम्हें ज्यादा लग रही है, हमने ज्यादा बोला इसलिए तुमने भी ज्यादा बोल के। नहीं नहीं, मेरा पेट का मालूम मैं नहीं जानता, आप जानता नहीं। वो जो मन आते हैं वो बोल देते हैं। ओ, मैं जो मन में आते हैं बोल देते हैं, आप समझ सकते हो। समझ बोल सकते हो। जो बोलता है करता नहीं। डोंट माइंड फ्रेंड्स, ये हमारा बहस है। तो फ्रेंड्स देखिए खत्म हुआ वेट के जो टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स वेट किए थे हम लोग खिचड़ी होने तक, हमको वेट करना पड़ा, ये तो करना पड़ेगा ही। और ये हमारा अंकल जी है इसके साथ, आप इसको देखे नहीं पहले। मेरा ससुर जी है, मेरा भाई है और सासू माँ ने हम लोगों को खाना दे रही है। तो खिचड़िया कैसे हुआ है तो आप टेस्ट करके ज़रा बताइए भाई, मुँह में लो। अच्छा लगा भैया? अच्छा लगा, इधर मैं तक आँखो दाओ, बोलिए कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। जोर से बोलिए, अच्छा लगा। अच्छा लगा भैया, जोर से बोलिए। अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा। क्या लगा? खिचड़ी अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा, क्या लगा? खिचड़िया। तो इसके साथ बहुत सारे सब्जी है इसलिए कोई भी कारी नहीं बना है, तो सिर्फ खिचड़िया ही बना है। तो आज हम मजे से गरम गरम खिचड़िया खाएंगे और आप लोग भी इस रात में अच्छे रहे। गुड नाइट, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। थैंक यू, बाय 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 बाय।